जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए सरजमीन इब्राहिमपुर की ईदगाह में लोग जमा हुए हैं। कसीर तादाद में लोग यहाँ ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, लोगों का जम्मे गफीर हज़ारों की तादाद में ईदगाह में जमा हुए हैं ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए। ये इब्राहिमपुर की ईदगाह मैदान है जो आप देख रहे हैं। नमाज बाजमात का हसीन मंजर जो अपने माथे की आंखों से आप देख रहे हैं, क्या नजारा है। الله أكبر الحمد لله رب العالمين। क्या हसीन मंजर है, देख सकते हैं आप। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वायाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वायाज। ना बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ना बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यही नज़ारा आपको इब्राहिमपुर ईदगाह से देखने को मिल रहा है दोस्तों। देख सकते हैं कितना हसीन मंजर है, कितना पुरकश नज़ारा है, देखने लायक बनता है। देखिए, ये इब्राहिमपुर सरजमीन में इब्राहिमपुर का ईदगाह है। हजारों की तादाद में लोग आए हैं ईद की नमाज अदा करने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। बहुत ही हसीन मंजर है। الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر وعليكم السلام الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين दोस्तों, देखिए नमाज मुकम्मल होने के बाद एक दूसरे से गला मिलाते हुए अपने जितने भी है सब अपने अपने तौर पर गला मिला रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं और एक मोहब्बत का पैगाम एक दूसरे को दे रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। ईद उल फित्र की नमाज में 30 दिन का रोज़ा रखने के बाद आज ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करने के बाद एक दूसरे से लोग गला मिलाते हैं और मोहब्बत का पैगाम देते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इब्राहिमपुर का ईदगाह मैदान है जो उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है। देखिए कितना हसीन मंजर है, लोग एक दूसरे से मुस्कुराते हैं, गला मिलाते हैं और एक मोहब्बत का पैगाम देते हैं बगैर कोई भेदभाव के, आपसी भाईचारगी को दिखाते हुए। जैसे कि आप देख रहे हैं, हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, ये मोहब्बत का एक तरीके से इजहार करते हैं लोग।
दिखा रहे हैं कैमरामैन को कि देखिए उधर देखिए, न जाने आने वाला ईद के टाइम आप रहे या मैं रहूं। पर अल्लाह।